अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं नमक पारे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। अब हम नमक पारे बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और हसबे ज़रूरत नीम गरम पानी। अब हम इसकी डो बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें नमक, ज़ीरा, अजवाइन ये डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसमें मैं घी डाल दूँगी। अभी इसको हल्के हल्के से मिक्स करना है, अभी इसमें पानी नहीं डालना। तो ऐसे मैदा और घी को इतना मिक्स करना है कि ये क्रैम्बल हो जाए। और ये ऐसे नमक पारे की डो में हमने घी को मेल्ट करके डालना है, लेकिन घी गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो अब मैं इसमें हल्का हल्का सा पानी को डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें डाल रही हूँ, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना डो ख़राब हो जाएगी। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा। सर्दियों में तो ये और भी मज़े का लगता है। इसके नमक पारे आपकी जो चाहे मर्ज़ी शेप में इसको काट सकते हैं, डायमंड शेप में या लंबाई में। तकरीबन इसमें 1/2 कप पानी डल जाएगा। अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये हमारी डो तैयार है, देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट है। अब मैं इसके पेड़े काट लूँगी। पहले हाथ से इसको थोड़ा सा फैला के, इस पर ऑयल और खुश्की लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से बग़ैर किसी चीज़ के ही रोल हो जाएगा। ये कितनी ग्रीसी सी रोटी बेली जा रही है। बस अब ये तैयार है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैं इसका ये साइज़ रख रही हूँ, आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, पतला, मोटा। थोड़ी आराम से इसकी कटिंग करनी है। मैं इसका इतना साइज रख रही हूँ, ये देख रहे हैं कि इसका डायमंड शेप कट रहा है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये नमक पारे जो है काट के रखे इनको डाल दूंगी। थोड़ी ये जोड़ रहे थे तो इनको ऐसे अलग अलग कर देंगे। इसको मीडियम
आग पे हमने इसको पकाना है। ये आप देख रहे हैं कि नमक पारे का कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। बस इससे थोड़ा सा और कलर आ जाएगा तो ये हमारे तैयार हो जाएंगे। ये नमक पारे तैयार है, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हमारे मज़ेदार से नमक पारे तैयार हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको इंजॉय करें और मैं आप इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने अच्छे और क्रिस्पी तैयार हुए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।